सही उपकरणों और तकनीक न होने के कारण आज भी देश के करोड़ों किसान गरीबी में जीने को मजबूर हैं। किसानों को अगर सही मदद और आइडिया मिले तो वो भी अमीर बन सकते हैं, बस जरूरत है उन्हें सही रास्ता दिखाने की। आज हम आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी खेती सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकती है। हालांकि इसके लिए सब्र की जरूरत है और यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आमतौर पर किसान अपने बगीचों या खेतों के किनारे फलों के पेड़ लगाते हैं ताकि सीजन आने पर उन्हें बेचकर मुनाफा कमाया जा सके। इन सब के बीच अगर चंदन का पेड़ लगा लिया जाए तो ये आपको सालों तक मुनाफा देता रहेगा। चंदन की खेती में इतना मुनाफा है जितना किसी भी सरकारी या बाकी प्राइवेट स्कीम में नहीं मिल सकता। कुछ समय पहले गुजरात के भरूच में एक किसान ने 10 लाख रुपए लगाकर चंदन की खेती शुरू की थी। 20 सालों में जब ये पेड़ काफी बड़े हो गए तो उसे भारी मुनाफा हुआ। उस किसान ने रिकॉर्ड 15 करोड़ रुपए की कमाई की। आमतौर पर चंदन की लकड़ी 6 से 7 हजार रुपए प्रति किलो की दर से बिकती है। अगर क्वालिटी अच्छी हो तो 10 हजार रुपए किलो तक दाम मिल आसानी से मिल जाते हैं। आमतौर पर 2 हजार रुपए में आपको लाल चंदन के 1 किलो बीज मिल जाएंगे। आप चाहें तो पास की नर्सरी से पौधे भी खरीद सकते हैं। चंदन के पेड़ लाल मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो चंदन का एक पौधा 40-50 रुपए का पड़ता है। एक एकड़ जमीन में एवरेज 400 पेड़ लगाए जा सकते हैं, यानी 20 हजार का ये खर्चा। इन सब के अलावा सिंचाई पर भी खर्च करना होगा।